बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक नंबर मिस हो तो उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है, जो आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, वो होता है लोशो बर्थ चार्ट। ये चाइनीज़ इसको अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये चाइनीज़ तरीकाकार है। तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ट जो है इसके फिक्स नंबर के कौन से होते हैं। कोनों में आपने 2 नंबर लिख लेने हैं, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर। 5 नंबर लोशो के सेंटर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3-3 रो है ना, तो वर्टिकल भी हैं, हॉरिजेंटल भी हैं। तो आपने इस तरीके से ये नंबर ऐड कर होते हैं इसमें कि हर तरफ से आंसर जो है वो 15 आएगा, ठीक है जनाब। तो आपका लोशो बर्थ चार्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखें इसको आप जमा करके आप देख सकते हैं, 9 और 4 13, 2 15, ये 15 बन गए। 5 3 8 और 7 15, 8 और 1 9 और 6 15। इसी तरह ऊपर की तरफ से आप जमा कर सकते हैं, 7 और 6 13 13 प्लस 2 15, 5 1 6 और 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 3 11 11 प्लस 4 15। तो आपने देख लिया कि चाहे आप इधर से जमा करें, ऊपर की तरफ से जमा करें, या यहाँ से इसको क्रॉस जमा करें, हर तरफ से आंसर 15 आता है। और छोड़ के अगर आप इसको क्रॉस जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में प्लस 4 जमा किया तो ये भी 15। अब 2 और 5 को जमा करें, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15। तो देखें हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। अब ये जितने नंबर्स हैं ना, ये प्लैनेट के साथ मंसूब है, यानी कि ये किसी ना किसी सितारे के साथ मंसूब है। जब आप पैदा होते हैं उस वक़्त आसमान पर जो सितारे, जो सियारे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर अच्छे या बुरे असरात सारी ज़िंदगी छोड़ते हैं। वही आपको लकी और अनलकी किसी हद तक करते हैं। और ये सारी चीज़ें सितारों की जो चाल होती है, सितारे सियारे ये कुछ भी नहीं है, असल चीज़ तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ही प्लान करता है कि आपने किस डेट को पैदा करना है। अल्लाह ताला ने ही आपको खुशकिस्मती देनी होती है, और या अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, कोई आजमाइश है, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोशो में जो 1 नंबर है उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1 नंबर जो होता है ये सन का बताता है, ये सन से इसको जोड़ा गया सूरज के साथ। और इसका लोशो बर्थ चार्ट में एलिमेंट है वाटर, इसका एलिमेंट पानी है, और इसका जो हाकम सियारा है 1 का वो है सन, सूरज। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आ रहा है तो ये क्या करेगा, आपका ज़बरदस्त कैरियर होगा, आपका बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस भी होगा, और आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, और आप अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। 1 नंबर जो होता है वो देखिए, 1 होता है अकेला, सिंगल। तो इंसान अपनी एक अनफरादी पहचान चाहता है, इंसान चाहता है कि उसकी एक अलग से पहचान बने, वो कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करे। तो 1 वालों की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 एक दफ़ा आएगा या 2 दफ़ा आएगा, उसके अंदर ज़िंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहता है कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन करे, नेम फेम हासिल करे। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला, फिर जब जाहिर है वो इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको वो चीज़ देता भी है। तो 1 नंबर वाले बड़े लकी भी होते हैं, इनको अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, और ज़िंदगी में कोई बड़ी पावर अथॉरिटी ये ज़रूर हासिल करते हैं। ये फोर्सेज में, आर्मी में जाएंगे तो आप ये कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल तक के रैंक तक पहुंच जाते हैं, इनके हायर रैंक पे चले जाएंगे। इसी तरह आपको वकील, जज नज़र आएंगे। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े अदारे हैं वहाँ पर जो भी आपको सरबराह नज़र आएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर से उनकी डेट खाली नहीं होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर उनमें लाजमी आएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा, 3 दफ़ा आएगा, ये अलग से इनके मीनिंग्स होते हैं।
लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि नंबर जो मिस हो जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उनके क्या अच्छे या बुरे असरात होते हैं। तो ज़ाहिर है पहले आपको लुशो पर चार्ट का पता होना चाहिए ना कि ये जो नंबर्स है अगर ये हो तो इंसान को क्या मिलता है। तो उसके बाद जब ये नहीं होंगे तो फिर उसके क्या अच्छे या बुरे असरात होंगे वो उसकी आपको ठीक तरीके से समझ आएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इन नंबर्स का पहले तारफ करवा दूँ और ये जो नंबर्स हैं ये किस प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी आपको पता चलना चाहिए। नंबर टू, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है लोशोबर चार्ट में, इसका एलिमेंट अर्थ ज़मीन है। और नंबर टू से हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, इंसान की शादी देखते हैं, इंसान के अपने बहन भाइयों के साथ माँ बाप के साथ रिलेशंस कैसे हैं उस चीज़ को देखा जाता है, और इंसान कितना इमोशनल है, कितना जज्बाती है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी कितनी है, इस चीज़ को भी हम नंबर टू से देखते हैं। इसके बाद बारी आती है जनाब नंबर थ्री की। तो नंबर थ्री जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है, मुश्तरी उबारे, ये मुश्तरी प्लैनेट है उससे रिलेटेड है। तो इसकी लोशो में डायरेक्शन है ईस्ट और इसका एलिमेंट है वुड। और नंबर थ्री से हम क्या देखते हैं, इंसान की हेल्थ देखते हैं और इंसान की एजुकेशन देखते हैं, इंसान की सूझबूझ देखते हैं, इंसान का कैरियर, उसके पास नॉलेज कितने, वो कितनी अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा और उसकी जो मैरिज लाइफ होगी, उसकी सेहत जो होगी वो कैसी होगी, तो ये भी हम नंबर थ्री से देखते हैं। इसके अलावा नंबर थ्री के बाद बारी आती है नंबर फोर की। तो नंबर फोर होता है राहु। तो राहु जो है ये आप ये कह लें कि ये एक छाया होती है, ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक अक्ष पड़ता है रोशनियों का, उससे केतु और राहु बनते हैं। तो जो फोर नंबर है ये राहु का है, तो राहु का जो एलिमेंट है वो वुड है फोर नंबर का। यहाँ से हम क्या देखते हैं, फोर नंबर वाले बड़े तेज़ दिमाग के होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हर काम नए तरीके से करना चाहते हैं और बेतहाशा ज़हीन होते हैं और इनके अंदर टैलेंट बेतहाशा होता है। तो ज़िंदगी में बेतहाशा ये दौलत कमाते हैं और रुपया पैसा जमा भी कर लेते हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और ये बड़ी कामयाब ज़िंदगी बसर करते हैं नंबर फोर वाले। उसके बाद जनाब बारी आ जाती है नंबर फाइव की। फाइव लोशो के बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका ये मरकरी प्लैनेट है इसका जी, फाइव नंबर का ये बिल्कुल लोशो के सेंटर में ये नंबर रखा गया है। और आप वन से लेके नाइन तक डिजिट देखें तो फाइव बिल्कुल सेंटर में आता है। तो आप ये देख लें कि जिस ये जिस इंसान का जो सेंटर है वही उसके पास सही ना हो तो उसकी ज़िंदगी सारी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ में फाइव नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। फाइव नंबर आपके पास होगा तो आपकी फैमिली बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपकी शादीशुदा लाइफ बड़ी अच्छी होगी, आपके पास बोलने की पावर भी, हम ये मरकरी से ही देखते हैं ना, मरकरी सूझबूझ का, बिजनेस का, जॉब का और मैरिज के जो रिलेशन होते हैं शादी, इसको भी हम फाइव नंबर से देखते हैं। तो फाइव नंबर अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर्टी भी बना लेंगे, आप अपना घर भी बना लेंगे। फाइव नंबर आपके पास नहीं होगा तो आपको अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आएगी और आपकी शादी भी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर फाइव नंबर आपका मिस है। इसके अलावा आपकी आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब अगर मिल जाएगी तो जॉब में मसले रहेंगे, बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में आप गलतियां करेंगे और लाखों का करोड़ों का आप नुकसान भी करेंगे अगर आपके पास फाइव नंबर मिस हो जाता है। और फाइव के साथ थ्री मिस होता है तो 100% आपका नुकसान होगा। उसके बाद जनाब नंबर आ जाता है जी सिक्स। सिक्स नंबर होता है वीनस का। तो वीनस जो है ये कह लेंगे प्यार मोहब्बत का ये प्लैनेट है जनाब। ऐसे लोग बड़े रोमांटिक, बड़े फ्लर्टी नेचर के होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, हुसन प्रस्त होते हैं, ज़िंदगी की तमाम साइशों के दिलदादा होते हैं। महंगी से महंगी गाड़ी मेरे पास हो, मेरे पास मेरा पार्टनर बड़ा खूबसूरत हो, खुद भी बड़े ये खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपनी खूबसूरती से, अच्छा ड्रेस पहनेंगे, हर वक्त बने तने रहेंगे, खूबसूरत लच्छेदार बातें करेंगे और आशिक मिजाज होंगे और हर वक्त ये दोस्तियों के चक्कर में होते हैं और नए से नए रोमांस के चक्कर में होते हैं सिक्स नंबर वाले। और बड़े रोमांटिक, बड़े हुसन परस्त, जितने भी लोग आपको लव मैरिज करते नजर आएंगे ना, सिक्स नंबर उनके पास ज़रूर होगा। उनके पास नंबर टू भी होगा, नंबर सिक्स भी होगा, थ्री भी होगा, एट भी होगा, फाइव भी होगा। तो 100% ये लोग लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो सिक्स नंबर आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी देगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और
बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है सिक्स नंबर की। सेवन नंबर जो होता है ये ब्लेसिंग वाला नंबर है। देखिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने में सेवन नंबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। सात ज़मीनें, सात दिन होते हैं हफ्ते में, म्यूज़िक के साथ सुर होते हैं, इसी तरह हर जगह आपको सात का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा किया है। कुरान की सात मंजिलें हैं और रोशनी के साथ रंग, हफ्ते के साथ दिन, म्यूज़िक के साथ सुर, तो रोशनी के भी कलर, तो आप देखें नीला पीला ये भी सेवन कलर होते हैं। तो देखेंगे कि सेवन का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत ज़्यादा किया। और जब सेवन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होता है तो आपको ये सातों रंग आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं। ये सारों आपको रुपया, पैसा, औलाद की खुशी, ज़िंदगी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज होना, रूहानियत का आपके पास होना, तो कहेंगे इनके सातों रंग, सातों ज़िंदगी की सातों खूबसूरतियाँ आपके पास होंगी। आपके पास स्पिरिचुअलिटी भी होगी, रूहानियत भी होगी, आप बड़े क्रिएटिव होंगे और आप हर चीज़ की बड़ी डेप्थ में जाएंगे, बड़े मामला फेम होंगे, बड़े दूर अंदेश होंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी आपको मिलेंगी जब सेवन नंबर आपके पास है। तो सेवन नंबर जो है ये केटू का होता है और इसका जो एलिमेंट है वो है मेटल, धात। यहाँ से हम बच्चों को देखते हैं कि आप अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। सेवन नंबर वालों को अल्लाह ताला बेटा ज़रूर देते हैं, इनकी औलाद ज़रूर देगा। देखिए जी, बेटा दे या बेटी दे, ये दोनों बेटी अल्लाह की रहमत होती है, तो सेवन नंबर वालों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देते हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों की औलाद नहीं है वो उनको ज़्यादा पता है कि औलाद की क्या अहमियत होती है, वो तो कहते हैं कि या अल्लाह हमें बेशक बेटी दे दे, वो भी हमारे लिए बेटे से बढ़ के है। तो बस ये कि इंसान ना शुक्र है, कभी भी सही मानों में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते ही नहीं है, हमेशा ना शुक्री करेंगे और बहुत कम शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह ताला का। सेवन नंबर के बाद ये नंबर एट जो होता है ये बड़ा ज़बरदस्त सैटर्न का, सैटर्न से रिलेटेड है। तो एट नंबर वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपने काम पे बड़ा फोकस करते हैं, इनके पास नॉलेज बड़ा होता है, अपने नॉलेज से, अपनी सूझबूझ से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से ये ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। सैटर्न सूरज के गिर्द सबसे ज़्यादा स्लो हरकत करने वाला और अपना चक्कर कंप्लीट करने वाला प्लेनेट है। तो ये एट नंबर जो होता है ये आपको कामयाबियाँ देता तो है लेकिन थोड़ी ओल्ड एज में जाके देता है, इनके शुरू में ये आपको बहुत स्ट्रगल करवाएगा लेकिन ओल्ड एज में जाके 30-35 के बाद आपके पास दौलत, रुपया, पैसा आना शुरू हो जाएगा जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में एट नंबर होगा। एट नंबर वालों को स्ट्रगल भी बड़ी देखनी पड़ती है लेकिन ओल्ड एज इनकी बड़ी गोल्डन हो जाती है, इनके पास बैंक बैलेंस, दौलत, रुपया, पैसा, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला इनको देता है। नाइन नंबर जो होता है जी ये कह लें कि ये साउथ डायरेक्शन में है और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है, गर्म प्लेनेट है, तो इसको एलिमेंट फिर ज़ाहिर है आग दी गई है। आग आपको पता है कि हर चीज़ को जला देने वाली चीज़ है और ये किसी भी एनर्जी का एंड होता है। देखिए वन से नंबर शुरू होते हैं और नाइन तक जाते हैं, तो नाइन के आगे कोई डिजिट नहीं है, इनके टेन शुरू हो जाता है और टेन फिर वन आ जाता है और 12 आता है तो फिर 2 आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हाईएस्ट एनर्जी होती है डिजिट की, वो 9 वालों के पास भी एनर्जी की कमी नहीं होती। जब आपके लोशों में 9 नंबर एक दफ़ा आता है, दो दफ़ा आता है, तो आपके अंदर काम करने का जज्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपके अंदर अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिम्मत देता है, आपके अंदर गैरत भी होती है, ईगो भी होती है और आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा भी पाया जाता है। बस आपने करना क्या है, 9 वालों ने अगर आपका 9 दो दफ़ा या 3 दफ़ा आता है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है। जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में बेतहाशा आप तरक्की करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसको हम पार्ट्स में बना लेंगे। आज मैंने आपको इन डिजिट का तारुफ करवा दिया है, तो अब अगर सबसे पहले हम नंबर वन को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके लोशों में नंबर वन जो है वो मिस हो जाए तो उसके क्या अच्छे या बुरे असरात आपकी ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं। अब वन नंबर जो है वो है जनाब ये, वन नंबर जो है वो सन से रिलेटेड होता है, सूरज। अब सूरज का काम क्या है जी, सूरज गर्म भी होता है, सूरज के अंदर हीट भी होती है, तो ज़ाहिर है जब वन नंबर अल्लाह ताला आपको एक नंबर एक दफ़ा देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफ़ा होगा या दो दफ़ा होगा, तो आपके अंदर हीट गर्मी भी होगी और आप बड़े मेहनती भी होंगे और आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आप ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करेंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन होता क्या है कि वन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में
किसी तरीके से भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? सूरज की कमी आपकी डेट ऑफ बर्थ में पाई जाएगी, क्योंकि सन आपके पास नहीं है। जब सन आपके पास नहीं है तो फिर क्या होगा जनाब? जब सन आपके पास नहीं है, सन पे हमने क्रॉस लगा दिए कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? ऐसे जो लोग होते हैं फिर उनके अंदर हौसले की कमी आ जाती है, ऐसे लोग किसी हद तक बुजदली का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग सहारों की तलाश में रहते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमें सपोर्ट कर दे। वो ज़िंदगी की जंग अकेले नहीं लड़ पा रहे होते, उसमें उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जब तक उन्हें कोई बहन भाई का सहारा नहीं मिलेगा, बाप का सहारा नहीं मिलेगा, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कदम कदम पर ऐसे लोग सहारों की तलाश में रहते हैं, कॉन्फिडेंस की ऐसे लोगों के अंदर कमी आ जाती है, अकेले कोई भी बड़ा काम इनको करना पड़ जाए नहीं कर पाते, इनके पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। कर सकते हैं लेकिन इनके अंदर वो, मैंने बताया ना कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपना काम सही नहीं कर पाते। इसके बाद इनको कोई भी बड़ा मकसद हासिल करना हो उसमें ये नाकाम हो जाते हैं, कोई ना कोई खौफ इनके अंदर रहता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, मुसीबत के वक्त जल्दी घबरा जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं और वक्त से पहले ही ये मायूस और मतलब मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास नंबर वन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये वाली सारी खराबियाँ, ये सारी नेगेटिविटी आपकी शख्सियत के अंदर आ सकती है, तो आपको चाहिए कि आप इसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो चलें यहाँ पे ही हम वीडियो को यहाँ पे इसका थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये आपको भूल जाएंगी। तो आज मैंने जितनी चीज़ें भी आपको समझाई हैं आप इसको याद कर लें। वन नंबर अगर मिस हो तो मैंने आज आपको बताया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी नंबर मिस होंगे नंबर टू से लेके नाइन तक, मैं उनको डिस्कस करूँगा। और इसका ये पार्ट वन है, पार्ट टू मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगा, घंटे डेढ़ तक इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट टू भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर लें, प्लीज़ अभी लाइक कर दें। थैंक यू, हौसला अफजाई करें। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं, आप मेरी भी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक आपने सिर्फ क्लिक ही कर रहे हैं ना लाइक पे, तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का बटन है आप उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, साथ बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, इसका पार्ट टू मैं अपलोड करूंगा, मिसिंग इसमें मैं ऑल मिसिंग नंबर में बयान करूंगा, एक नंबर से लेकर नाइन नंबर तक। इंशाल्लाह पार्ट टू में आपको तमाम मिसिंग नंबर के मैं मीनिंग्स बता दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करने, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल लोशो पर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, मिसिंग नंबर पढ़ने के बारे में भी बताऊंगा। फिर ये नंबर रिपीट होते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में वन नंबर एक दफ़ा आता है, दो दफ़ा आता है, तीन दफ़ा आता है, या नंबर टू दो दफ़ा आता है, तीन दफ़ा आता है, चार दफ़ा आता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिपीटेड नंबर के बारे में भी बताऊँगा। तो आपने बस मेरी हौसला अफजाई करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करने और मेरे साथ जुड़े रहने, इंशाल्लाह ताला बहुत कम ऐसा किसी भी YouTube चैनल पे आपको लोशो बर चार्ट बनाना सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला SNN TV यहीं पे आपको मैं पामिस्ट्री भी सिखाऊंगा और साथ न्यूमरोलॉजी भी, लोशो बर चार्ट भी मैं बनाना सिखाऊंगा। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने तो वो मेरे इसी नंबर पे रابطہ करें। आप अपने हाथों की, दोनों हाथों की तस्वीरें आपने भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, फिर आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रابطہ करने, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं पार्ट टू आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर इंशाल्लाह ताला पार्ट टू भी आपके पास पहुंच जाएगा और आज ही पहुंचेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।